Okay guys, let's coming to the topic helicase enzyme. So what is this helicase? And helicase is an enzyme which is used for DNA unwinding. ओके तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल नहीं कर पाते हैं, इस वो अलग नहीं कर पाते, अनजिप नहीं कर पाते. हेलिकेज इज एन एंजाइम विच एक्चुअली मेल्ट एंड अनजिप दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके मेल्ट एंड अनजिप दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके सो इन केस ऑफ ई कोलाई, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ओके the helicase is actually called as DNA B. okay so it is actually a hexameric protein, and this melting of the DNA is ATP dependent. It is an ATP melting of DNA. It helps in melting of DNA, which show ATPase activity. ATPase activity. So it binds with the single stranded form of both strands of DNA. तो ये जो है यहाँ पे single strand पर bond हो जाएगा और ये हमेशा leading strand पर bond की direction में जाएगा. Okay, bind with both single strand simultaneously. दोनों के साथ bind हो जाएगा और direction इसका leading strand होगा. Okay, bind with both single strand DNA, okay, simultaneously, and it move in the direction of 5 prime to 3 prime direction. So the helicase and leading strand direction is same, which is 5 prime to 3 prime direction. Okay, and it going to bind with the template of leading strand. पहले ये कहाँ bind हो जाएगा? template strand पे bind हो जाएगा. ठीक है, तो see, this is a replication fork. Okay, this is a replication fork, and this is the origin of replication, as we already talked about in the previous lectures. And this is the leading strand example, and this is the lagging strand. Okay, and this is the leading strand, and this is the lagging strand. Okay, leading, lagging strand. So the helicase or DNA B will bind here. It moves in this direction, okay, and or yahan pe bind ho jayega, template strand pe bind ho jayega. Okay, helicase or DNA B. Okay, so जब हम प्रोकैरियोट की रिप्लिकेशन की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था कि उनमें कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं. तो इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस लाइक 9 mer एंड 13 mer, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये डीएनए है, ओके, यहाँ पे है 13 mer जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होते थे, और यहाँ पे है 9 mer. ओके, तो 9 mer पे क्या होते हैं? ये जो डीएनए ए प्रोटीन होता है वो बाइंड हो जाते हैं. तो डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होने के बाद ऐसे ऐसे बाइंड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, यहाँ पे बाइंड होने के बाद क्या करते हैं? ये ऐसे स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं. यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हो गया. तो क्या होते हैं 13 mer से, यहाँ जो 13 mer है, 13 mer पे क्या हो जाते हैं? ये ओपन होना, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, यू गॉट इट? यहाँ पे 13 mer पे प्रोकैरियोट्स में. तो जो टेम्पलेट ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, टेम्पलेट ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? हेलिकेज बाइंड हो जाएगा. ओके,
हेलिकेस को कौन बाइंड करते हैं? हेलिकेस को बाइंड करने के लिए और एक एंजाइम आते हैं हेलिकेस लोडर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए सी भी कहते हैं उसको। ओके तो एक आ गया डीएनए ए, दूसरा आ गया डीएनए बी और तीसरा आ गया डीएनए सी। ठीक है, तो जो डीएनए ए होता है वो कहाँ पे बाइंड हो जाते हैं? बाइंड्स टू नाइमर। ओके, डीएनए प्रोटीन, ये प्रोटीन है। और डीएनए बी जनरली क्या होते हैं? हेलिकेस इन प्रोकैरियोट्स। एंड द डीएनए सी इज द हेलिकेस लोडर। ओके, ये हेलिकेस को क्या करते हैं? लोडिंग। ओके, यू गॉट इट। सो इन हेलिकेस इन यूकैरियोट्स, लेट्स टॉक अबाउट हेलिकेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम क्या लेते थे? बाय डिफॉल्ट बडिंग यीस्ट का एग्जांपल लेते थे। ओके, तो बडिंग यीस्ट में जो हेलिकेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एमसीएम प्रोटीन कहते हैं। एमसीएम का फुल फॉर्म क्या है? मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो हेक्सामेरिक प्रोटीन। ओके, फ्रॉम एम सी एम 227। ओके, सो इट ऑल्सो हैव ए टी पी एस एक्टिविटी, विच मीन्स इट नीड ए टी पी। तो यू कैरियोट्स में हमने जब बात किया था ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे, तो हमने आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में ए बी वन बी टू बी थ्री। तो हमारा मेल्टिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बी टू से। और बी थ्री क्या करते थे? यहाँ पे ए आर एस बाइंडिंग फैक्टर को एक क्या करते थे? अटैच करते थे ए बी एफ वन ए आर एस बाइंडिंग फैक्टर वन। और ये ए और बी वन क्या करते थे? ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस या ए आर एस कम्प्लेक्स ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स बनाते थे। ये 40 बेस पेयर का था अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे एम सी एम प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं और रिप्लिकेशन यहाँ पे मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग कैसे? रिप्लिकॉन्स बनते हैं। ठीक है, मेल्टिंग कैसे स्टार्ट होते हैं? यहाँ पे जो एम सी एम प्रोटीन होते हैं उस के साथ और एक प्रोटीन होते हैं सी डी सी सिक्स, सी डी सी सिक्स बाइंड हो जाते हैं उसके साथ। तो ये सी डी सी सिक्स क्या होते हैं? इसके पास होता है एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपीएस एक्टिविटी होते हैं। तो ये रीइनिशिएशन होने नहीं देते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। तो इसका जो है एवरेज लाइफ स्पान होता है लेस देन 5 मिनट्स। ठीक है, तो एम सी एम कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं, एम सी एम कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये वाला प्लस सी डी सी सिक्स, ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एम सी एम प्रोटीन बाइंड हो जाता है। इन तीनों का जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? देन द फॉर्मेशन ऑफ प्री रिप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसको हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये है हमारे पास, इसके पास तो 400 की समथिंग है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ इन दोनों पर रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ साथ सी डी सी सिक्स प्रोटीन, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और ये एम सी एम प्रोटीन तीन में अटैच हो गया। तो ये बन गया प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक अलग रिप्लिकॉन है, ये अलग रिप्लिकॉन है, ये भी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ से क्या करते थे, क्या करते कि रिप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सी डी सी सिक्स क्या है? सी डी सी सिक्स एक प्रोटीन है। ये क्या करते हैं? वंस द प्रोसेस कंप्लीट कि पूरा रिप्लिकेशन का, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रिप्लिकेशन हो जाएगा, तो टर्मिनेशन तक होने तक सीडीसीस की एक बार जब ये फॉर्मेशन हो गया तो ये डिग्रेड हो जाता है 5 मिनट के बाद। एंड दी फॉस्फोरिलेशन एंड नो मोर एमसीएम बाइंड्स
एंड नो सेल गेट रेप्लिकेट अगेन। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे सिर्फ एक ही बार होता है, ओरिजिन रेप्लिकेशन पे सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि सी डी सी सिक्स जो प्रोटीन है इसका लाइफ स्पन बहुत ही कम होता है, 5 मिनट होते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं MCM के साथ, इस क्या होते हैं, ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं। तो फॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये फिर दोबारा उस सेल को फिर रेप्लिकेट होने नहीं देते, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस भी स्टॉप हो जाते हैं। तो एक सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार ये रेप्लिकेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल G1 सेल बिकम कमिटेड टू DNA रेप्लिकेशन, तो फिर S में ये सिंथेसिस हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने पढ़ा होगा G1 S G2 और M, ठीक है। तो ये G1 में सेल क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं कि ये रिप्लिकेट होना है, तो इस फेज में ये सिंथेसिस हो जाते हैं। तो एक ही सेल साइकिल में ये एक बार रिप्लिकेट हो चुके, क्यों, क्योंकि ये CDC6 प्रोटीन है, ये सिर्फ एक बार ये जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होते हैं, प्री इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स की, तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये बनने के बाद क्या होते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं और ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं। ओके।